मक्खी भी। गुड़ कहीं पड़ा हो लेकिन मक्खी उसे ढूंढते हुए आ ही जाती है। देख वो भी आ गई, जाओ उठा के ला उसे। आपको नहीं मारना है मुझे। पर क्यों? मैंने कहा था ना कि किस्मत ने हम दोनों के लिए कुछ खास सोच कर आपको नहीं मारना है। सुनो, तुम मुझे क्यों नहीं मार रहे हो? अन्ना, आपकी वजह से मैं अपने प्यार को हासिल कर पाया। अच्छा यही होगा कि फैसला बदलने से पहले आप मत बदलो, आ जाओ। ये तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? कोई फैमिली प्रॉब्लम है क्या? शायद टीना के भाई के आदमी हो। पुलिस में इनकी कंप्लेन कर दो। अरे नहीं नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं। एग्जाम्स खत्म होने के बाद अगले हफ्ते ही मुझे घर जाना है। घर पर पता चला ना तो मुझे एग्जाम्स भी नहीं देने देंगे। अच्छा, तुमने गुंडों को बाद में तो धोया ही, तो सुक्कड़ की धुलाई करने के लिए इतना इंतजार क्यों किया? उसने भी यही सवाल पूछा था। किडनैप होते वक्त ही तुमने उनकी धुलाई क्यों नहीं की? तो मुझे पता कैसे चलता कि तुम मुझसे प्यार करती हो? इसीलिए तो मुझे बचाने आ गई। ऐसी बात नहीं है, कोई और भी होता ना तो भी मैं बचाने आ जाती। माया, किस्मत को अपना काम करने से कोई नहीं रोक सकता, वो भी यही चाहती है। सच में? कल संतला होटल आ जाओ, किस्मत क्या चाहती है हम वहीं देख लेंगे। प्यार का इकरार होने से पहले ही होटल में बुला लिया, लड़की तो काफी तेज निकली। अरे नहीं, आप समझ रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। तो कैसा कुछ है? हाँ जल्दी आ जाऊंगी। ओके बाय। माया बताओ ना, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुमने बार बार कहा था ना कि किस्मत हमें मिलवाना चाहती है, आज फैसला कर लेते हैं। फैसला करना है कैसे? इस होटल में कुल मिलाकर 29 फ्लोर्स हैं। हम दोनों एक ही वक्त में अलग अलग लिफ्ट्स में एक साथ जाएंगे, फिर तुम किसी फ्लोर का बटन दबाना और मैं भी वही करूँगी। और अगर हम दोनों ने एक ही फ्लोर चुना तो समझो कि किस्मत भी यही चाहती थी कि हम मिले, इसलिए ऐसा हुआ। ये क्या तरीका है? तुम तो यही कहते हो ना कि किस्मत जो चाहती है वही करवाती है, तो चलो अब लिफ्ट में। सुनो सुनो, गलती से अलग फ्लोर पर उतर गए तो क्या होगा? किस्मत, शायद ये हमारी जिंदगी की आखिरी मीटिंग हो, इसलिए गेम शुरू करने से पहले हम दोनों साथ में कॉफी पी सकते हैं। ब्रेक लगा, अभी तो उसने प्यार का खेल खेलना शुरू किया था, तो तुमने कॉफी पे चर्चा करना क्यों चाहा? बताता हूँ ना सर।
से लिखवा के लाया जो हर बार किस्मत तेरा ही साथ देती है। इस बार मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया, मेरे दिमाग ने दिमाग दिया। मेरे दोस्तों ने सीसीटीवी कैमरा की मदद से पता लगा लिया कि माया ने लिफ्ट में कौन से फ्लोर का बटन दबाया था। इसकी तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाए इसीलिए हमने कॉफी पी। कुछ तो मिसिंग। नहीं तो जब तुम दोनों एक दूसरे के करीब आए तो बीच में कुछ तो हुआ होगा। हाँ याद आया, हम दोनों के बीच में एक टेबल को मैंने जोर से लात मारी और खिड़की के बाहर। पटाखे जला के शहर ने हमारे प्यार का जश्न मनाया। उस दिन पटाखे नहीं जल रहे थे, पुलिस स्टेशन जल रहा था। सर कंटिन्यू। उसके बाद तो तीन सौ छह सौ पाँच सौ। कौन डैडी? मम्मी ये देखो डैडी आ गए। डैडी अब कहाँ चले गए थे? आपको बहुत मिस कर रही थी। मम्मी देखो डैडी। क्या बात है, ये मुझे डैडी क्यों कह रही है? ये मेरे हस्बैंड हैं। एक्सीडेंट में इनकी मौत हो गई। इनकी शक्ल बिल्कुल मेरे जैसी है, इसीलिए आपको डैडी कह रही है। सॉरी। डोंट बी, इट्स ओके। रक्षा चुप हो जाओ। डांटिए मत, छोटी सी बच्ची ही तो है। लो बेटा। थैंक यू डैडी। ओके। आपको बड़ी तकलीफ हुई ना? अरे इसमें तकलीफ क्या है? ए, क्या कर रहा है यार? सॉरी गलती से लग गया। इट्स ओके। लगता है पैर में मोच आ गई। आराम से, मेरा हाथ पकड़ लीजिए। उसकी जरूरत नहीं, आई विल मैनेज। अरे पकड़िए हाथ, मैं छोड़ देता हूँ। आपसे मिलके अच्छा तो लगा, लेकिन दिल में डर भी है। कैसा डर? एक्चुअली उनको भुलाने के लिए ही हम इस शहर में आए थे। अब आपको जो देख लिया, रक्षा चैन से नहीं बैठेगी। देखिए मेरा ऑफिस यहीं नजदीक में है, जब चाहे आ जाइए। डैडी आप नहीं आएंगे? डैडी बाद में आ जाएंगे। बाय बाय बेटा। बाय। बच्ची बड़ी क्यूट है ना? हाँ, बहुत ही क्यूट है ना? सिर्फ एक ही बेटी है। हाँ। जी, मैंने तुम पर कितना भरोसा किया। यू चीट लायर, अब तक और कितनी लड़कियों को धोखा दे चुके हो। मैं उसे जानता तक नहीं हूँ। उसे जानते नहीं हो फिर भी लड़की ने हाथ पकड़ा। उसे जानते नहीं हो फिर भी बच्ची ने डैडी कहा। उसे जानते नहीं हो फिर भी उसके घर जा रहे हो। मुझे बोलने दोगी या नहीं? पहले उसे बोलने दो फिर तुम बोलना। किसे? आइए मैडम, मेरे सच बताइए। हे, तुम सुधरोगे नहीं ना? और तुम जैसे का कसूर है। हैंडसम लड़का देखा नहीं कि चुप रहो। तुमने मेरी गर्लफ्रेंड को क्यों मारा? छी, एक औरत पर हाथ उठाते हो? मैंने तुम्हारे लिए उसे मारा था। किसी और लड़की के लिए अपनी बीवी पे हाथ उठाओगे? मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। पंडित बनने के लिए शास्त्रों का ज्ञान चाहिए, कोर्ट मैरिज कराने के लिए वकील की डिग्री चाहिए, लेकिन ऐसी कौन सी डिग्री है जिससे तुम जोड़ियां तोड़ते हो? पंडित रिश्ते जोड़ने का काम करता है और मैं तोड़ने का? दो चार शब्दों में मैं नहीं समझता, पूरा डिटेल में तो सुनो। इनमें फाइट करवाने के लिए मुझे फ्लाइट से यहां बुलाया, यहां पहुंचते ही आधे घंटे में इनका ब्रेकअप करवा दिया। हां ठीक है, इतना बोलने के लिए अमिताभ की तरह झुक क्यों रहा है? मैं तुझे एक्स्ट्रा पेमेंट दूंगा, बस एक ही काम है, माया के साथ मेरी सेटिंग करा। ओनली कटिंग। ठीक है, शेविंग के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। हेलो, सिर्फ प्यार करना ही काफी नहीं होता है, अगर ऐसी पर्सनालिटी चाहिए तो मेरे पास आओ। अरे हीरो के डायलॉग मारने से कोई हीरो नहीं बन जाता। चल निकल। वो लड़की शहर छोड़कर जा चुकी होगी, हमें भी चलना चाहिए भांजी। हमें जाकर उसे ढूंढना चाहिए ना। हमने उसे एयरपोर्ट, रेलवे, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड सब जगह ढूंढा, वो तुझे भूल चुकी है, तू भी उसे भूल जा। नहीं भूल सकता मामा। मामी 10-10 मिनट में फोन कर रही है, कहती है कि अगर मैं 11 बजे तक नहीं पहुंचा तो मेरे खाने में जहर डाल देगी, क्यों मुझे मरवाना चाहता है? रुको मामा, एक ड्रिंक खत्म करने दो फिर चलेंगे। मामा मामा, इसने भी धोखा दे दिया। हाय, तुम भी मेरी तरह पैक बनाते हो? अरे कहाँ जा रहे हो यार, तुम तो मेरे पास बैठो ना यार। तुम भी लव के एग्जाम में फेल हो गए क्या? मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, किसी कुत्ते ने आकर मेरे किस्मत का कनेक्शन काट दिया। वो मेरे हाथ लग जाए ना तो छोड़ूंगा नहीं। हे कहाँ जा रहे हो बॉस, थोड़ा बैठो ना यार मेरे पास।
तुम तो धोखा नहीं दोगे ना? पहले माया चली गई, फिर मामा चले गए, लेकिन तुम नहीं गए। ये होता है असली फ्रेंड। हेलो बॉस, हेलो हेलो बॉस, हेलो। तुम इसके दोस्त हो? मैं तो यहाँ बिजनेस ट्रिप पे आया हूँ, ये मुझे एक बार में मिले। माँ बस करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से दूर यहाँ लेकर आई, एक ऐसे आदमी से दूर जिसने हम दोनों को धोखा दिया था, लेकिन तुमने भी मुझे निराश किया। मेरी बात तो सुन। चुप रहो तुम। मैंने दिन रात मेहनत करके अकेले तुम्हें पाला, उसका तुम ये सिला दे रहे हो? मुझे लगा था मैं तुम्हें अच्छे संस्कार दे रही हूँ, क्या ये है तुम्हारे संस्कार? आज मैं फिर से हार गई बेटा। तुम्हारा भाई जो उनके पास है वो अब तक डॉक्टर या कलेक्टर बन गया होगा। मैं तुम्हारे पापा को भुला चुकी थी, पर आज तुमने मुझे फिर से उनकी याद दिला दी। माँ, I'm sorry माँ, ऐसी गलती फिर कभी नहीं करूंगा। मेरी एक इच्छा है, पूरी करोगे? जरूर करूंगा। मुझे तुम्हारे छोटे भाई को देखना है। उस वक्त मैं गुस्से में थी जब मैं तुम्हें तुम्हारे भाई और पापा से दूर यहाँ ले आई। तुम्हें भी अपने पापा से मिलना चाहिए बेटा। मेरा उनसे मिलना जरूरी नहीं है, पर आपको भाई से मिलाना मेरे लिए बहुत जरूरी है। बताइए कहाँ मिलेगा? तुम्हारे पापा कोविलूर के बड़े जमींदार हैं। सुना है किसी बात से गुस्सा होकर आजकल मदुराई में रह रहे हैं। मदुराई? तुम्हारे पापा जहाँ भी रहते होंगे शान से रहते होंगे, वो बहुत परोपकारी है। वहाँ जाकर किसी से भी अरविंद पूछोगे तो तुम्हें बता देंगे। ठीक है माँ, मैं कल ही वहाँ जाता हूँ। अरे मैं भी कल वहीं जा रहा हूँ, दोनों मिलकर उन्हें ढूंढेंगे।